हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं रिजल्ट से रिलेटेड। देखिए, कंटिन्यूअसली डेली वाइज बेहतरीन बेहतरीन कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं और हमें उन रिजल्ट को देखना है। जस्ट बिकॉज अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी उन शेयर में बनती है, अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो उसके बेसिस पे हम उसमें इन्वेस्ट कर सके। यही हमारा बेस भी रहता है अच्छे स्टॉक को चूज करने का, जिसमें इस महीने तो नहीं, शायद अगले महीने या उससे आगने वाले टाइम में जब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तब उसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और अच्छा खासा गेन हमें तब तक मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस बेस पे भी हम शेयर को चूज करते हैं अलग अलग स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो ये उनमें से ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और आज की डेट में तीन वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, बिग अपॉर्चुनिटी, मोतीलाल ओसवाल एज वेल एज रोजरी बायोटेक के रिजल्ट। तो एक एक करके यहाँ पर रिजल्ट को देखते हैं अलग अलग कंपनी के। और बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्ले लिस्ट में जाके यहाँ पर अलग अलग प्ले लिस्ट है, उन वीडियो को जाके गो थ्रू कर लीजिए ताकि अच्छे खासे रिजल्ट मिल सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो हम कंपनी से रिलेटेड बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात है इस कंपनी की, स्वराज इंजन्स लिमिटेड। तो अगर हम बात करते हैं शेयर की, तो देखिए डिविडेंड के लिए आप एक बार देख लीजिएगा कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, आपको पता ही है कैसे चेक करते हैं। इन लैक्स में रिजल्ट है, इस वाले क्वार्टर के रिजल्ट है, लास्ट क्वार्टर ये इससे एक साल पहले की। अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो 31,732 लाख रुपीज की इनकम है, इससे पहले 30,000, इससे पहले 11,905। तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और अगर बात करें एक्सपेंस की, टोटल एक्सपेंस देखिए 27,217, इससे पहले 26,345, इससे पहले 10,834। तो यहाँ पर एक्सपेंस ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे खासे ज्यादा बड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे तो बहुत बेहतरीन यहाँ पर एक्सपेंस इन्होंने की है। अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, टैक्स वगैरह सब काटने के बाद, तो 3,365 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 3,256, इससे पहले 784 लाख रुपीज। तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो कंपनी ने अच्छा खासा ही यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है कंसिस्टेंसी ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे। अगर बात करें बेसिक ईपीएस, 27 रुपए का ईपीएस, इससे पहले 26 रुपए, इससे पहले 6 रुपए। तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे, कल की डेट में भाग सकता है। इसके अलावा बात करते हैं सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके रिजल्ट आए हैं, लगभग 700 रुपए के आसपास का यहाँ पर शेयर है। और अगर यहाँ पर देखते हैं इस बार के रिजल्ट है, ये एक 3 महीने पहले के, ये एक साल पहले के यहाँ पर रिजल्ट नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं इन लैक्स में ये रिजल्ट है। टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू जो कि ग्रॉस सेल्स एज वेल एज अदर ऑपरेशन एक्टिव इनकम में होती है नजर आती है, तो यहाँ पर टोटल इनकम देखे तो 1,05,597 लाख रुपीज, इससे पहले 1,27,000, इससे पहले 29,000। तो ईयरली बेसिस पर तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर गिरावट है भारी। एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर 86,154 लाख रुपीज के यहाँ पर एक्सपेंस है, इससे पहले 96,000, इससे पहले 30,000। तो ईयरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ रहे, बट क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस भी यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दिए, जो अच्छी बात है। अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पर देखिए 14,625 लाख रुपीज, से पहले 23,000, इससे पहले कंपनी घाटे में थी, तो घाटे से प्रॉफिट में आ गई है, अच्छी बात है ईयरली बेसिस पे। बट अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है, जिस वजह से यहाँ पर ईपीएस दिखाई देगा। यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे ईपीएस कम है, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर ईपीएस नेगेटिव से प्रॉफिट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ इस कंपनी की तरफ नजरें बनाइएगा, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स इस कंपनी का नाम है। इसके अलावा बात करते हैं पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड इसकी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं डिविडेंड, तो आई डोंट थिंक सो कोई डिविडेंड यहाँ पर दिया गया है। अगर दिया गया होगा तो एक बार यहाँ पर डिविडेंड आपको चेक करना है। तो हम यहाँ पर इनके रिजल्ट से रिलेटेड आते हैं, तो ये इस बार के क्वार्टर के सेम पैटर्न से। अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो 32,114 लाख रुपीज, ओके लैक्स में ही है यहाँ पर रिजल्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके नहीं दे रखा, बट कोई इशू नहीं है। 32,114, इससे पहले 50,454, इससे पहले 11,168। अगर बात करें ईयरली बेसिस पे यहाँ पर जंप है इनकम में, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर भारी गिरावट है। एक्सपेंस की बात करते हैं 28,678, इससे पहले 44,997, इससे पहले 11,465। तो यहाँ पर एक्सपेंस ईयरली बेसिस पे बढ़ रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे घटता हुआ नजर आ रहा है। और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,508 लाख रुपीज का, लाख रुपीज में ही होगा आई थिंक
आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर प्रॉफिट है इससे पहले 4,068, इससे पहले 221 लाख रुपीज का घाटा, 221 का घाटा था। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है, जो कि ईपीएस भी देख सकते हैं। पहले इस बार 6.97 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 11.30 रुपए, इससे पहले 62 पैसे का यहाँ पर नेगेटिव में ईपीएस था। तो कंपनी ने अच्छा खासा ईयरली बेसिस पे यहाँ पर परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली बेस पे गिरावट है, इस शेयर की तरफ भी नजरें बनाइएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर पॉनी शुगर इरोड लिमिटेड की, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये सारे मोस्टली शेयर हमने कभी भी यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, बट रिजल्ट देख लेते हैं, शायद एक अच्छा नगीना हमारे हाथ में लग जाए। इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, अगर बात करते हैं यहाँ पर टोटल इनकम की, तो देखिए 6,529 लाख रुपीज का इनकम है, इससे पहले 6,363, इससे पहले 6,262 लाख रुपीज। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्सपेंस देखें तो 6,011, इससे पहले 5,356, इससे पहले 5,668। तो ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर एक्सपेंस ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 457 लाख रुपीज, से पहले 791, से पहले 504। तो यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट घटता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर हम बात करें इनकम की, यहाँ पर टोटल इनकम यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बढ़ रही है। एक्सपेंस की वजह से ये कंपनी ने घाटा खाया है, बट कोई इशू नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें बेसिक ईपीएस 5.31 रुपए, से पहले 9 रुपए, से पहले 5.86 रुपए, तो कंपनी का ईपीएस भी घटता हुआ नजर आ रहा है, बट इसकी कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये शुगर कंपनी है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर प्लास्टी ब्लेंड्स, यहाँ पर एक और कंपनी है। इसके अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट्स आपके सामने इंडेक्स में ही रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखें टोटल इनकम 15,501, इससे पहले 17,312, इससे पहले 10,391। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी मोस्टली इस सारी कंपनी ने ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन था, ओके, और यहाँ पर अभी लॉकडाउन यहाँ पर नहीं था, इस वजह से यहाँ पर था बट इतना नहीं था जितना इस तरीके से था। तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी ने ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया। क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर कंप्लीटली अनलॉक हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पर गिरावट थी, यहाँ पर अभी गिरावट आ रही है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की, 14,567, इससे पहले 15,000, इससे पहले 9,525। तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे घटता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से अगर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, तो 674 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 1211, इससे पहले 622 लाख रुपीज का प्रॉफिट था। तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है, जिसका ईपीएस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयरली बेसिस पे लगभग सेम है, बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है। अगर हम ये बात करते हैं एक और कंपनी की, तो मैस्टेक है, बट मैस्टेक के आई थिंक अभी तक रिजल्ट आए नहीं है, इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जाके बीएससी की साइट पे यहाँ पर कंपनी का नाम डालेंगे और यहाँ पर देखेंगे अगर रिजल्ट आएंगे। तो देखिए अभी रिजल्ट नहीं आया, यहाँ पर बस आज की डेट का दिखा रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आता है वो दिखाया है। तो यहाँ पर इसके रिजल्ट जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है अभी। इसके अलावा बात करते हैं इंडियन बैंक की, इंडियन बैंक के रिजल्ट हमने ऑलरेडी देख लिए है। अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो ये पीएससी बैंक से रिलेटेड मैंने इसी में बात करी है, इसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और कंपनी की, तो यहाँ पर देखिए एससीएल टेक्नोलॉजी, एससीएल टेक्नोलॉजी आपको पता है कितना दिग्गज शेयर है। तो अगर हम बात करते हैं 6 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड दिया है कंपनी ने, इसके यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है, तो ये आपके अकाउंट में कब रिकॉर्ड डेट 28 तारीख है, तो इसी इस 28 तारीख तक आप रखेंगे शेयर, तो 28 तारीख या 26 तारीख तक भी आपके अकाउंट में शेयर यहाँ पर डिविडेंड आ जाएगा 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से। इन करोड़ में रिजल्ट है टोटल, ये इस बार के लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर के लास्ट ईयर के। अगर टोटल इनकम की बात करें तो 20,323, इससे पहले 19,000, इससे पहले 18,137। तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 16,223 लाख इन करोड़ की बात हो रही है। तो अगर बात करें यहाँ पर करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है, और यहाँ पर देखें टोटल एक्सपेंस, तो 16,223 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस है, इससे पहले 16,518, इससे पहले 14,275। तो एक्सपेंस ईयरली बेसिस पर बढ़ रहे हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पर घटते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा हम और भी चीजों की देखें, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो प्रॉफिट यहाँ पर 3,213 लाख करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, इससे पहले 1,111, इससे पहले 2,935। तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। कल की डेट पे इस पे सबसे ज्यादा निगाहें होंगी, ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई दे सकता है, और नहीं भी भागे और गिरता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगी खरीदने के लिए। यहाँ पर ईपीएस देखें तो 11.81 रुपए का ईपीएस, इससे पहले 4.06 रुपए का, इससे पहले 10.80 रुपए का ईपीएस, और कंपनी ने 6 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है, जो कि अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी देती आती है हमेशा। एससीएल टेक्नोलॉजी के अच्छे रिजल्ट है। जीटीपीएल हेल्थवे लिमिटेड इस कंपनी की बात करें तो डिविडेंड के लिए आप देख लीजिएगा, बट इसके रिजल्ट अगर हम देखते हैं और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर इसके रिजल्ट हमें दिखाई देंगे।
थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा नीचे। हाँ तो यहाँ पर देख लीजिए इन मिलियंस में रिजल्ट है। अगर टोटल इनकम की बात करें 6,106, इससे पहले 7,877, इससे पहले 5,019 मिलियन से रुपीज। तो ईयरली बेसिस पे इनकम बढ़ रही है, क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, सेम लाइक अदर कंपनी। अगर रिजल्ट टोटली एक्सपेंस की बात करें 5,356, इससे पहले 7,020, इससे पहले 4,444 मिलियन से रुपीज। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बढ़ रहा है बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस घट रहा है। और तो यहाँ पर बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स, तो 530 मिलियन से रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 616, इससे पहले 464। ईयरली बेसिस पर जंप है बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है जो कि ईपीएस में भी साफ झलकती है। तो इस कंपनी की तरफ भी निगाह बनाइएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर एस्ट्रॉन, ये पेपर से रिलेटेड कंपनी है, अगर इसके रिजल्ट देखते हैं तो इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखिए टोटल रेवेन्यू 11,285, 14,641 से पहले, इससे 6,727। तो ईयरली बेसिस पर जंप है बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है। टोटल एक्सपेंस देखिए 11,059, इससे पहले 13,570, इससे पहले 6,349। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस घटते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 202 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, लैक्स में है, यस 202 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 665 था, इससे पहले 262। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट में ज्यादा गिरावट है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नजरें बनाइएगा बट दूर रहिएगा। 43 पैसे का ईपीएस, इससे पहले ₹42, इससे पहले 56 पैसे का ईपीएस। आलोक इंडस्ट्री आपको पता ही है, रिलायंस की एक कंपनी है, यहाँ पर भी अभी तक रिजल्ट आए नहीं थे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं रिजल्ट आया कि नहीं। हाँ तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो इस कंपनी के भी रिजल्ट एक बार आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एलसेक टेक्नोलॉजी, इसके भी रिजल्ट एक बार देख लेते हैं अगर आए हैं तो। मैंने ये निकाल के रख रखे थे, अभी तक रिजल्ट नहीं आए थे तो यहाँ पर नहीं देख पाए, बट अगर अभी आगे होंगे वीडियो बनाते टाइम तो देख लेते हैं। तो अभी भी इसके रिजल्ट नहीं आए, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं एक और अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके भी रिजल्ट देख लेते हैं अगर आए हैं कि नहीं आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको पता ही है शेयर भाग भी रहे हैं तो देखना बहुत जरूरी है, अच्छे खासे रिजल्ट होंगे तो इन्वेस्ट का मौका मिल जाएगा। कोई नहीं, अगर बात कर लेते लास्ट बट नॉट लीस्ट एसीसी की, तो एसीसी आपको पता ही है काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी है। डिविडेंड यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर डिविडेंड दिया होगा तो यहाँ पर कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके रिजल्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है। तो अगर टोटल रेवेन्यू की, टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो 3,923 करोड़, हाँ 3,929 करोड़ का यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 4,335, इससे पहले 2,651। ईयरली बेसिस पे इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है बट क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट है। एक्सपेंस की बात करें 3,169 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस हुए, इससे पहले 3,586, इससे पहले 2,251। तो एक्सपेंस क्वार्टरली बेस पर बढ़ रहे हैं बट ईयरली बेसिस पे गिरावट है जो कि अच्छी बात है। बट अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ देख लीजिए 533 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 557 था, इससे पहले 267। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है, उसका रीजन आपको पता ही है कि क्या है। अगर हम यहाँ पर और भी चीजों की बात कर ले जो कि इनका ईपीएस, तो ये देखिए 28.43 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 29.68 रुपये, इससे पहले 14.27 रुपये का ईपीएस है। तो यहाँ पर ये इनका ओवरऑल यहाँ पर सेगमेंट वाइज आप देख सकते हैं सीमेंट सेक्टर से यहाँ पर क्या रेवेन्यू है, रेडीमिक्स कॉन्क्रीट से यहाँ पर कितना रेवेन्यू है, इस चीज के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एसीसी एक अच्छी दिग्गज कंपनी है, तो यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट मोस्टली सारी कंपनी के आए हैं। एसीसी के रिजल्ट भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर सबसे बेहतरीन रिजल्ट जो आते हुए दिखाई दिए वो रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए एससीएल टेक्नोलॉजी की, आईटी कंपनी के, जिसने चौंका दिया है। और सारी अगर बात करें यहाँ पर टीसीएस से भी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट इस बार पेश करेंगे। तो ये सारे की सारे कंपनी के रिजल्ट थे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा दूसरे के साथ शेयर, और जिन कंपनियों से रिलेटेड रिजल्ट नहीं आया एक बार खुद आप देख लीजिएगा, बाकी कल की डेट में उन्हें कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।